हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फोमेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ योगा टीचर। आप इस फील्ड में कैसे एक अपना अच्छा करियर बना सकते हो, क्योंकि ये आज की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सिर्फ आज की नहीं, फ्यूचर में भी आने वाली ये बहुत ही बड़ी ज़रूरत है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा लोगों के पास स्ट्रेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, समय के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने वेल्थ को ग्रो करना है, पैसा बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो उसके कारण क्या करता है, आपके दिमाग पे और आपके शारीरिक तौर पे काफ़ी बल पड़ता है। तो उसको सुधारने के लिए योग एक बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा ज़रूरत की चीज़ है आज के हिसाब से, और ना ही फ्यूचर में भी। ठीक है, फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इसमें आप काफ़ी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। स्टूडेंट जो भी मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, तो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो यार, हाउ टू बिकम अ योगा टीचर से पहले आपको ये समझना है, थोड़ा बहुत बता दूँ मैं कि योग होता क्या है। तो योग, मैं योग ही बोलूँगा, योगा नहीं बोलूँगा, क्योंकि योगा किसी और की देन हो गया है ये नाम, लेकिन असल में इसका नाम योग है। ठीक है, तो योग जो है इज अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी विच फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग हारमोनी, ठीक है, बिटवीन कहाँ पे, माइंड एंड बॉडी। तो जो आपका दिमाग है और आपका जो शरीर है, उन दोनों को आपस में अच्छे से जोड़ के सिंक्रोनाइज करके आपके जीवन में हारमनी, अच्छा बदलाव लाने का काम करता है योग। और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे कई गुना आगे है, लेकिन मोटा मोटी आपको मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग। ठीक है, साइंस भी है और कला भी है, विज्ञान भी है और कला भी है एक अच्छे जीवन को जीने के लिए। ठीक है, द वर्ड योगा और योग इंपॉर्टेंट है, योगा नहीं, योग इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत रूट यूज मीनिंग टू ज्वाइन और यूनाइट। ठीक है, तो इसका योग का मतलब होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम करता है आपके दिमाग, आपके शरीर और आपको इस पूरे ब्रह्मांड से। ठीक है, तो देर आर, और बहुत सारे डिपेंड करता है, देखो कई लोग अलग तरीके से इसका मीनिंग समझते हैं, लेकिन कुछ मतलब कुल मिला के ये है कि इससे आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आता है, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। और अगर आप इसमें और फ्यूचर लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हो, काफ़ी अच्छे से इसको डीप में समझना चाहते हो, तो देर आर मोर सोर्सेस, आप वहाँ से अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु हैं जिनसे आप इसके बारे में ज्ञान ले सकते हो। देर आर मैनी सर्टिफाइड योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो, जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हो, योगा से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे, मानसिक एक्टिविटी के तौर पे आप सीख सकते हो। और लोगों के आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसको दूर कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स है। अगर आप चाहो तो इसमें करियर बना सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। देखो, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो पैसा भी मोनेटाइज करना भी ज़रूरी है उस काम को, नहीं तो आपका जीवन चलेगा कैसे। लेकिन वैसे तो जीवन बहुत तरीके से चलता है, लेकिन पैसे के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। आज के टाइम में लोग देने को तैयार होंगे, आज भी और फ्यूचर में भी, क्योंकि लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कहाँ कहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं इस चीज़ को करने के, तो देखो यार, मैं ऑप्शन आपको अभी बताता हूँ। स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनको शुरू से ट्रेनिंग दी जाए योगा की, योग की, तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो शुरू से ही ट्रेंड हो जाते हैं, तो उनको फिर आगे चल के उतनी दिक्कत नहीं आएगी, और वो बचपन से ही वो चीज़ करते रहेंगे, तो उनकी बॉडी, उनका माइंड काफ़ी अच्छे से सिंक्रोनाइज रहेगा, और अच्छे से वो बहुत सारे अच्छे जीवन में डिसीजन ले पाएंगे। कॉलेजेस में जहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर बहुत सारे मरीज पहले से ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप उनको योगा से रिलेटेड चीज़ें सिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि आप, ये तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ आप ये चीज़ें करें ताकि वो सदा के लिए ठीक रहे, है ना, और फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट्स आईटी कंपनीज हैं आज के टाइम में, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉर्पोरेट जितने भी हैं ना, सब जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सेल्स करनी है, ये करना है, ये टारगेट है, वो टारगेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों के पास। तो वहाँ पर भी चाहे तो अपना सेंटर खोल सकते हो, या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लोगों को सिखा सकते हो, बड़े बड़े क्या कहते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके। ठीक है, जिम्स में आप खुद का जिम्स वगैरह जो है वहाँ पर भी जाके अपना प्रमोशन कर सकते हो, अपने योगा सेंटर का, फिटनेस सेंटर में जा सकते हो, या फिर खुद का एक अपना फिटनेस या फिर योगा सेंटर खोल सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर, आप कितना बड़ा सोच पाते हो, किस तरीके से इस चीज़ को बिजनेस मॉडल में बदल पाते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि बिजनेस मॉडल में बदलना चाहते हो तो साथ साथ हमारे पास दो सीरीज़ हैं आपके लिए, जो कि एक सीरीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर पढ़ी है दोनों की दोनों। मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली जरूर देखना, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होता है किसी भी बिजनेस के लिए।
ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानने को मिला होगा। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।